समंदर के अंदर झरना, ये चीज सुनने में आपको बहुत ही अजीब लग रही होगी, लेकिन ये फिनोमिना आपको मिलता है मॉरिशस के साउथ वेस्ट पार्ट में। तो मॉरिशस में रहते रहते मुझे 9 मंथ हो चुके हैं और अभी तक मैं काफ़ी प्लेसेस यहाँ के घूम चुका हूँ। तो ये एक प्लेस अभी मेरी लिस्ट में बचा था, लेमन माउंटेन। लेमन माउंटेन यहाँ का एक काफ़ी फेमस हाइकिंग पॉइंट है और काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस भी है, साथ ही इसका इतिहास जो है वो इंडिया के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो आज मैं हाइकिंग के लिए जा रहा हूँ लेमन माउंटेन को, और यहाँ से वो दिखाई देता है समंदर के अंदर झरना, जिसे कि अंडर वाटर वाटरफॉल भी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं आज के लेमन माउंटेन के इस सफ़र पे। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो भाई आज है 23 सितंबर एंड मैं हूँ मॉरिशस में, और आज मैंने प्लान किया है मॉरिशस के एक बहुत ही फेमस हाइकिंग ट्रैक पर जाने का, जो कि बहुत ही फेमस है और इंडिया के साथ भी इसकी जो हिस्ट्री है वो जुड़ी हुई है। तो अभी मैं जस्ट चला ही था यहाँ से आगे, एंड यहाँ पर अब रास्ते के साथ साथ समंदर भी है, ये देखो भाई। और वो सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वो अलग सा ही एक आइलैंड बसा हुआ है, वहाँ जाने के लिए आपको बोट से जाना पड़ता है उस आइलैंड में। बाकी ये देखो भाई, यहाँ पे तो पानी बहुत कम है, इसमें आगे तक जा सकते हैं अगर जाना हो। ये देखो क्या ब्यूटीफुल है यार। एंड अभी हमें निकलना है उधर ऊपर उस माउंटेन पे, यहाँ निकलना है अभी। भाई चलो चलते हैं अभी सीधे सामने की तरफ। तो भाई फाइनली पहुंच गया हूँ मैं अपने लास्ट पॉइंट पे, जहाँ से हमें हमारी होती है हाइकिंग शुरू, वहाँ पे वो पॉइंट है। बट उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ भाई यहाँ का व्यू सामने का। तो ये आप देखो भाई व्यू यहाँ का, ये यहाँ की पार्किंग स्पेस, और यहाँ से होता है हमारा ट्रैक शुरू। टाइमिंग आप देख सकते हो मॉर्निंग 7 से शाम को 4 बजे तक रहता है, 3.5 किलोमीटर का ये ट्रैक है। तो भाई इस माउंटेन में जाने से पहले आप यहाँ की हिस्ट्री देख लीजिए, ये है यहाँ की हिस्ट्री, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। एंड भाई यहाँ पर हमारी रजिस्ट्रेशन हो गई, एंड रजिस्ट्रेशन के बाद ये है जी यहाँ का मैप, जहाँ तक हमें जाना है। पूरा टॉप जो साउथ वेस्ट व्यू पॉइंट दिख रहा है, ये बिल्कुल टॉप है उधर का, तो वहाँ तक अभी हमें निकलना है, 3.6 किलोमीटर का डिस्टेंस। एंड ये रहा भाई सीधा रास्ता, और उधर वो टॉप जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वहाँ मुझे अभी जाना है। तो ज़्यादा नहीं है ये, आई थिंक 532 मीटर है सी लेवल से, 532 किलोमीटर है ये सी लेवल से ऊपर। जगह जगह पर यहाँ पे वैसे साइन बोर्ड लगे हैं, साइंस लगे हैं कि कहाँ से आपको जाना है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या अलाउड नहीं है, अगर आप जाते हो तो आपको कचरा फैलाना, स्मोकिंग नहीं करना, फायर वगैरह कुछ ना करना, कटिंग, पेट भी यहाँ अलाउड नहीं है, हंटिंग भी अलाउड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अलाउड बिल्कुल भी नहीं है, हमेशा इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। और ये यहाँ के लिए ही नहीं है, हर जगह होना चाहिए। हमारे इंडिया में भी लोग आपको पता ही है कहाँ कहाँ जाके कचरा फैला के आते हैं। मॉरिशस में रहते रहते मेरे को 1 साल होने वाला है, और अभी तक मैंने चढ़ाई नहीं चढ़ी थी बिल्कुल भी, बस अभी प्लेन में ही चल रहा था। और जब मैं घर पे था हिमाचल में अपने, तो वहाँ पर तो ऐसा था कि हमेशा ही पहाड़ चढ़ने पड़ते थे। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, 1 साल के बाद कोई पहाड़ चढ़ रहा हूँ यहाँ पे, जंगल बिल्कुल सुनसान। अभी पीछे से भी ग्रुप आ रहा है, एक बड़ा ग्रुप आएगा, एंड कुछ लोग आगे भी चले गए अभी। तो भाई आई थिंक 1 किलोमीटर में चल चुका हूँ, एंड यहाँ पर अभी निकलना है मुझे इस तरफ से। तो यहाँ पर मेरे को एक साइन बोर्ड दिखाई दिया है, जहाँ पर लिखा है वैली ऑफ द बोन्स मेमोरियल ट्रेल। तो ये आप देख सकते हो भाई, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है लेमन, जो ये माउंटेन जहाँ पे मैं ट्रैक कर रहा हूँ अभी, वैली ऑफ द बोन्स इसको कहा गया है। एंड इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि जब इंडिया से, क्योंकि आपको पता है मॉरिशस के लिए लोगों को लाया गया था इंडिया से और अफ्रीका से, तो जब लोगों को यहाँ पर लाया गया था तो अंग्रेज़ों के अत्याचार से तंग होकर बहुत सारे लोग जो है इंडियन लोग भी उस पहाड़ पर चढ़ गए थे, उस पूरे पहाड़ पर चढ़ गए थे। और उस पर चढ़ने के बाद लोगों ने जो है उन लोगों से बचने के लिए, अंग्रेज़ों से बचने के लिए उस पहाड़ से छलांग मार दी थी। तो ये यहाँ के लोकल लोग भी बताते हैं
बहुत सारे लोगों ने उस टाइम उस पहाड़ से छलांग लगा दी थी। तो उसके बाद से इस जो जगह जो मैंने आपको पीछे बताई अभी, तो इसको कहा जाता है वैली ऑफ द बोन्स, इसीलिए इसको वैली ऑफ द बोन्स कहा जाता है। तो इसका जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं भारत के साथ भी जुड़ा हुआ है, इंडिया के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो भाई बहुत ही अच्छा रास्ता है एंड मेरी सांसें फूल गई यार, क्योंकि आज आई थिंक मैंने एक साल के बाद कहीं पे ट्रैकिंग करने जा रहा हूँ मैं। अभी मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था एक रास्ते में, क्योंकि एक रास्ता सीधा क्लाइंब करने के लिए था और ये रास्ता सीधा सीधा था। तो मैं भी सोच रहा था वापस मुड़ जाऊँ पीछे, बट अच्छा हुआ मैं पीछे वापस नहीं गया और यहीं पे मेरे को अलग से रास्ता मिल गया। मिट्टी तो यहाँ दिख नहीं रही है, पत्थर ही पत्थर दिख रहे ऊपर से लेकर नीचे तक। लोग तो चल रहे, वैसे देखो आगे भी लोग चले हैं। तो भाई यहाँ पे हमारी रोड खत्म हो जाती है और यहाँ से मिलती है एक छोटी सी ट्रेल। तो अब निकलेंगे भाई हम इसी ट्रेल में। एंड यहाँ एक और बहुत अच्छी चीज़ है नॉलेज के लिए, यहाँ पे जो प्लांट्स है उनके बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है कि कौन सा प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है एंड इसके बारे में सब कुछ बता रखा है। तो पीछे काफ़ी इन प्लांट्स के बारे में यहाँ पे बताया है। व्यू देखो, अभी हम आगे जाएंगे, यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ मैं मस्त वाला। यार बहुत ही अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट हैं यहाँ पे, जैसे कि ये देखो भाई एकदम मस्त व्यू पॉइंट। जैसे देखो एकदम मस्त एकदम। वहाँ से चल के आया हूँ मैं अभी, उस तरफ से चल के आया हूँ, यहाँ से चल के आए हम वहाँ से लेकर फिर यहाँ पहुँचे। तो भाई आई थिंक आधा रास्ता तो कंप्लीट हो गया है एंड अभी मुझे पहुँचना है उधर टॉप पे। मे बी आपको कुछ लोग भी वहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे बिल्कुल टॉप पे, तो वहाँ भी पहुँचना है। ये देखो भाई नज़ारे बहुत ही मस्त है। उस साइड से तो ये क्लोज करके रखा है, तो हमें निकलना पड़ेगा इस तरफ से। अभी आई थिंक 30-40 मिनट समय लगेंगे वहाँ पहुँचने में। तो भाई यहाँ पे लगा है नोटिस कि यहाँ से आगे है थोड़ा सा डेंजरस सिस्टम, तो बियॉन्ड दिस पॉइंट डेंजरस क्लाइंबिंग। तो यहाँ से जो है अब क्लाइंबिंग होने वाली है और पता नहीं देखते हैं कैसी क्लाइंबिंग रहेगी आगे की। अभी तक तो रास्ता थोड़ा सीधा था, बीच बीच में थोड़ी सी चढ़ाई थी, बट अब देखते हैं कैसा रास्ता आता है। अब देखो भाई और भी बेहतरीन व्यू आपको देखने को मिलेगा एंड आधे से ज़्यादा रास्ता कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा भी बचता है उधर टॉप तक पहुंचने के लिए। एंड नज़ारे देखो यार आप वहाँ पे मस्त एकदम। इस तरफ भी समंदर है और उस तरफ भी समंदर है, तो अभी समंदर के बीचों बीच हमें एंड वहाँ पे दिखाता हूँ आपको मॉरीशस के कुछ गांव। देखो वहाँ पे कुछ गांव बसे हुए हैं बीच बीच में, जैसे वहाँ पर है उस तरफ भी एक पूरी बस्ती बसी हुई है। मस्त एकदम। तो चलो भाई चलते हैं अपने रास्ते पे। मस्त रास्ता है भाई एकदम। पर यहाँ की एक चीज़ तो है यार कि यहाँ पे लोग बहुत चले रहते हैं। अभी तक मेरे को कम से कम 100 से ज़्यादा लोग मिल गया है नीचे आते हुए, और जो अभी ऊपर आ रहे हैं वो अलग है, बाकी पहाड़ियों पे भी चढ़ते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। रास्ता आप देख सकते हो भाई अब काफ़ी स्टीप है रास्ता यहाँ से ऊपर के लिए, तो अब थोड़ा सा केयरफुली जाना पड़ेगा।
ये भी चढ़ाई यहाँ की, लोग चढ़ रहे हैं यहाँ से टॉप। चलिए बैग रखता हूँ यहाँ पे और आगे देखते हैं नज़ारा। ओह बहुत डेंजरस चढ़ाई थी यार ये वाली। ओह ओह इधर देखो यार व्यू, समंदर एंड इस तरफ पहाड़ और इधर फिर से समंदर। और अभी तो मैं उधर जा रहे टॉप पे, भाई व्यू देखो भाई, बहुत ही मस्त रास्ता है। आधे से ज़्यादा आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। एंड भाई रास्ते के साथ जो व्यू है ना, बहुत ही प्यारे प्यारे व्यू दिख रहे हैं। ये लो भाई एक और चढ़ाई मिल गई यहाँ पे, मज़ा आ गया यार। फर्स्ट टाइम एक अलग ही एक्सपीरियंस मिल रहा है पहाड़ चढ़ने का। इससे पहले मैंने जो हाईएस्ट माउंटेन क्लाइंब किया था वो किया था किन्नर कैलाश, जो कि आई थिंक 6000 मीटर है एंड ये है ओनली 532 मीटर। बट भाई इसके जो नज़ारे हैं ना वो अलग ही है। तो भाई रास्ता तो है ही नहीं, वहाँ से मैं आया हूँ एंड अभी देखो आप पत्थर पकड़ पकड़ के जाना पड़ता है, रास्ता तो है ही नहीं यहाँ ऊपर जाने के लिए। बट अच्छा यार मस्त एकदम, बस अब पहुँचने वाला हूँ, जस्ट इसके बाद दिख जाएगा अपनी मंजिल। एंड ये भाई व्यू है बहुत ही प्यारा व्यू। तो लो जी फाइनली पहुँच गया हूँ मैं। तो ये है भाई फाइनली डेस्टिनेशन, यहाँ से दिखता है भाई सामने अंडर वाटर वाटरफॉल। तो भाई ये था अपना ट्रैक एंड अब मैं निकल रहा हूँ भाई यहाँ से वापस। फाइनल ट्रैक हमने कर दिया इस तरफ एंड अब हम निकलेंगे भाई यहाँ से वापस। तो अभी बहुत डेंजरस है यार रास्ता यहाँ से और यहाँ नीचे जाके भी काफ़ी डेंजरस लगता है रास्ता। मेन अभी पहले पहुँचना है, वहाँ वहाँ देखो देखो लोग आ रहे हैं ना, वहाँ पहुँचना है फिर वहाँ से पूरा घूम के उधर निकलना है नीचे, फिर वहाँ से हम बस लेंगे और सीधे बस से पहुँचेंगे उस माउंटेन के पास, वहाँ मैं रहता हूँ उस माउंटेन के पास हम जाएंगे। चलो चलते हैं भाई। तो भाई इस तरह के रास्ते हैं यहाँ से निकलने के लिए। इस रूट का सबसे डेंजरस रास्ता है, सबसे डेंजरस पॉइंट है ये वाला, क्योंकि यहाँ से रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, पत्थर को पकड़ पकड़ के आना पड़ता है। तो आई थिंक 100 मीटर होगा ये ऊपर तक, यहाँ पे जस्ट आपको पत्थर को पकड़ पकड़ के आना पड़ता है उधर से। बट नज़ारे भाई पूछो मत, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नज़ारे दिखते हैं यहाँ से। तो कभी भी मॉरीशस आओ तो लेमन जरूर आओ, यहाँ की हाइकिंग जरूर करके जाना। रिलेटेड एक्टिविटीज देखो, काइट सर्फिंग। तो भाई यहाँ पे है वैली ऑफ द बोट, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या है इसमें आगे।
तो यहाँ से ये जाता है रास्ता वैली ऑफ द बोन के लिए। देखते हैं क्या खास चीज़ है यहाँ पे आगे। तो भाई ये है वैली ऑफ द बोन्स। तो जब वो इंडिया से यहाँ पे गुलाम लाए थे, इंडिया और अफ्रीका से, तो वो जो है उस पहाड़ पर चढ़े थे और उस पहाड़ से उन्होंने छलांगें लगाई थी और यहाँ पे आके वो लोग मर गए थे। तो भाई ये था यहाँ की हिस्ट्री है ये। तो इसीलिए इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसको इंक्लूड किया गया, इस माउंटेन को। तो अभी हम ऊपर उस माउंटेन पे मैं गया था और वहीं से अभी मैं वापस आ रहा हूँ। एंड देन यहाँ पर भी आप देख सकते हो इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर नीचे एक और हिस्ट्री से रिलेटेड एक लगा है यार, वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, बोर्ड लगा है। तो उसमें देखना, उसमें भी इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। एंड लोगों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे पत्थर भी रखे हैं। एंड ये भाई यहाँ की हिस्ट्री, तो पॉज करके पढ़ लेना आपने। तो फाइनली भाई हमने ये पूरा माउंटेन आज कंप्लीट कर दिया। अभी एक घंटा लगा इसे पूरा चढ़ने में। अभी जस्ट मैं माउंटेन से अभी वापस ही आया हूँ, हाइक मैंने कंप्लीट कर दी। तो भाई यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं ये प्यारे प्यारी से घर, घास के बने हुए छोटे छोटे से घर, ये आप देख सकते हो। उधर भी है और इधर भी है। इस साइड तो देखो आप खिड़की है एंड इस टाइप है दरवाज़ा। इधर भी देखो भाई इस तरफ भी है। तो इस तरह से होते थे यहाँ पे पहले गांव। एंड यहाँ पर इसके बारे में कुछ बताया भी है, लेमन कल्चर लैंडस्केप। तो इसको आप जो है पॉज करके पढ़ लेना। इसमें बता रखा है ट्रेडिशनल हीलिंग जो प्रैक्टिसेस होती थी यहाँ पर इस माउंटेन के पास, और यहाँ पर जो पौधे मिलते हैं उसके बारे में इसमें बता रखा है। बाकी ये आप देखो भाई बहुत ही ब्यूटीफुल है, ऐसे लग रहा है पता नहीं कौन से टाइम में आ गए। ये देखो भाई साहब वहाँ पे काम कर रहे हैं। ये क्या है, ये है ट्रेडिशनल फिशिंग प्रैक्टिस। ये ट्रेडिशनल फिशिंग प्रैक्टिस जो यहाँ पे रहती थी पहले, जिस तरह से लोग करते थे। और ये देखो भाई साहब, हेलो। एंड ये देखो भाई बहुत ही खूबसूरत बने घर। देखो यहाँ पर सारा बता रखा है कि चारकोल मेकिंग, कैसे चारकोल बनाते थे, वुड बंडल मेकिंग, लाइक जो भी गांव में छोटी छोटी चीज़ें होती थी ना उसके बारे में सब कुछ ट्रेडिशनली यहाँ पे बता के रखा है। ये देखो पूरा अफ्रीकन एंड इंडियन कल्चर यहाँ पर है। एंड हियर्स ऑल्सो, यहाँ पर भी है अलग सी हट। तो ये है भाई सागा टिपिक, जो कि मॉरिशन का एक डांस है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सागा डांसिंग। इन स्टैचूज को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी बोल उठेंगे ये। चलो कोई नहीं, अभी चलते हैं आगे। ये यार छोटा सा गांव बता के रखा है, जैसे कि मॉरिशन में पहले जिस तरह का यहाँ का कल्चर होता होगा उसके बारे में यहाँ बता रखा है। ये देखो एक और हट, यहाँ पे 5-7 हट यहाँ पे मैंने बनी हुई देखी अभी। नाइस यार, ये है किचन। ओके, तो स्कैन करके रिज्यूम करके देख लेना एक बार, इसको पॉज करके देख लेना। ये है किचन यहाँ का, ये कैसे किचन रहता था, यहाँ पर फोटो है किचन की। ओके, सो ये था भाई यहाँ का एक छोटा सा विलेज टूर। एंड अभी हमने ये वो वाला माउंटेन कवर किया है। सो फाइनली कंप्लीट हो गई हमारा आज का डे आउट। अब निकलते हैं भाई वापस अपने घर की तरफ। सो फाइनली ये थी भाई हमारी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय।